सीसीटीवी कैमरा तो चोरी नहीं रोकता है, लेकिन ये डिवाइस डेफिनेटली चोरी रोकता है। कैसे? इसको बोलते हैं आईडीएस पैनल सिस्टम, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन पैनल सिस्टम। इसके कुछ ऑपरेटिंग फीचर्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। ये जो डिवाइस है वो रॉबरी प्रिवेंशन करता है, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम है, एसओएस डिवाइस के तौर पे भी काम करता है। इसका बेसिकली यूज यही होगा कि जैसे किसी ऑफिस में या किसी शोरूम में रॉबरी के इरादे से घुसते हैं लोग, तो जैसे ही कोई आपके एब्सेंट में आपके ऑफिस में या शॉप में घुस आता है, तुरंत ये सिस्टम क्या करेगा, सायरन अलार्म राइज करेगा। अलार्म राइज करने के बाद में जो भी नंबर उसमें स्टोर कर रखे हो आपने, आपको कॉल करेगा और एसएमएस करेगा। तो जब आपको कोई इंफॉर्मेशन पहुंचती है तब आप एक्शन ले सकते हैं, जब आपको इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तब आप एक्शन ले सकते हैं। तो ये डिवाइस रॉबरी प्रिवेंशन, एक्टिव डिटरेंस, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम और एसओएस इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसको किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है, यूज करना है, वो मैं बता रहा हूँ। आज ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा है इस डिवाइस का। तो बेसिकली ये डिवाइस कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए, ये इसका कंट्रोलर है, दिस इज कंट्रोलर। और यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए तुरंत इंस्टॉल करें GLM इंस्टीट्यूट ऐप। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत इंस्टॉल करें और सारे वीडियो देखें एक सिस्टमैटिक तरीके से। पर काफी सारे फीचर्स है, जैसे इसमें नंबर ऐड करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, कितने नंबर आप ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 नंबर यू कैन स्टोर। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है कि आप कौन कौन से डिटेक्टर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे रिमोट ऐड कर सकते हैं आप, मोशन सेंसर ऐड कर सकते हैं आप, इसमें PIR सेंसर ऐड कर सकते हैं आप, इसमें डोर कॉन्टैक्ट सेंसर ऐड कर सकते हैं, स्मोक सेंसर ऐड कर सकते हैं, जो फायर अलार्म सिस्टम में यूज होता है स्मोक डिटेक्टर, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तो सबसे पहले ये डिटेक्टर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद में इसके साथ हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए ये मैंने इसके साथ में अटैच कर दिया। इसमें जो बैटरी लगता है वो लगभग 1 ईयर तक वर्किंग में रहेगा, 1 साल तक चलेगा। इसको ऐड करने के बाद में इसका प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है आप देखिए। इसको मैं यहाँ अंदर क्लासरूम ऑफिस के अंदर मैं रख देता हूँ। ये क्लासरूम ऑफिस में मैंने डिटेक्टर्स को रख दिया। और अभी जब भी आप ऑफिस बंद करके घर पे जाएंगे, उससे पहले रिमोट कंट्रोल से आर्म बटन दबा के ऑफिस क्लोज करें। ये मैंने सिस्टम को आर्म कर दिया। आर्म करते ही यहाँ पर एक कंफर्मेशन बीप आएगी कि आपका सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए अब रेडी है। दैट मीन्स हमने सिस्टम को स्टैंड बाई मोड पे सेट कर दिया। अब इस क्लासरूम ऑफिस में जैसे ही कोई एंट्री करेगा वैसे ही ये पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि ओनर के मोबाइल पे कॉल आएगा, SMS आएगा, पूरे सिस्टम में सायरन बजने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमारे GLM इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रकार के CCTV कैमरे के फुल फ्लैश प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्सेज अवेलेबल है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कैमराज हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी कैमरों के नाम बताइए, जितना भी पॉसिबल कैमरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अलग अलग कौन कौन से कैमराज हैं यहाँ पर, देखते हैं कितने लोग नाम बता पाते हैं, कितने लोग नाम नहीं बता पाते हैं। चलिए ये हमारा टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया और अभी ये सिस्टम पूरी तरह से रेडी है ट्रिगर करने के लिए। तो पुष्कर एक बार आप इस ऑफिस क्लासरूम में एंटर करें और देखिए किस तरीके से ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये सिस्टम आपका ट्रिगर हो गया। सिस्टम के ट्रिगर होते ही कुछ ही सेकेंड्स में ओनर को कॉल और SMS आना शुरू हो जाएगा। ये मोशन सेंसर्स जो है यहाँ पर लगे हुए थे, ये सेंसर्स ने डिटेक्ट किया ऑफिस रूम में, जैसे ही पुष्कर एंटर हुए उनको डिटेक्ट किया और सिस्टम अब ट्रिगर करने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। सिस्टम का ट्रिगर टाइम आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा जितना भी रखना है आप रख सकते हैं। ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और अब मोबाइल पर कॉल आएगा और कॉल को मैं रिसीव करूंगा। उसके बाद देखिए सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। ये देखिए SMS भी आ गया, इसमें यहाँ पर कॉल भी आ गया, हियर वी गॉट इट द कॉल, ये कॉल भी आ गया और SMS भी आ गया। देखिए अब इस कॉल को मैं रिसीव करूंगा, कॉल को रिसीव करने के बाद में क्या करना है ये देखिए, ये कॉल रिसीव कर दिया। मोबाइल फोन से इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं और मोबाइल फोन से हम लोग टू वे टॉक भी कर सकते हैं, यानी कि मुझे अगर पैनल साइड पे कम्युनिकेशन सेटअप करना है तो वो भी कर सकता हूँ। चलिए कम्युनिकेशन सेटअप करके दिखाते हैं। प्रेस 3 यहाँ पर करना है हमें
कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए। ये देखिए, हेलो चेक 1 2 3, कहाँ से बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? हेलो इस तरफ से बोलिए, वोइट मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? वहां से बोलिए। ये देखिए काफी क्लियर आवाज है, यानी कि टू वे टॉक सेटअप भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आइडियाज पैनल का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेक्ट करें GLM इंस्टीट्यूट हेल्पलाइन नंबर में, परचेस करने के लिए कॉन्टेक्ट करें GLM इंस्टीट्यूट सेल्स में, दोनों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू।